हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम मल्टीपल इंटीग्रल के इस पार्ट में प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियोस मैंने 5 पार्ट कवर कर दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये रहता है कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए वो कॉन्सेप्ट वीडियो सारे के सारे आप वॉच कर लो। ये टॉपिक है आसान सा। रीज़न क्या है कि आपको अगर चीज़ें कॉन्सेप्चुअल पता है कि सिस्टमेटिक वे में एक्चुअल में करना क्या होता है, लिमिट कैसे डिसाइड होती है, किसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं या फिर वाई के रिस्पेक्ट में हैं, या वट एवर जो भी फंक्शन दे रखा है कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें देख लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, सारे जो इतने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, करने का जो तरीका है वीडियो को पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चन को से करो और फिर उसके बाद जो मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप उनसे टैली करें कि आप कितना क्वेश्चन कहाँ तक सही कर लेते हो। इससे एक फ़ायदा क्या होगा, इससे एक बेनिफिट आपको होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है आपका कॉन्फिडेंस तो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो CB मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा आपको, जिससे आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत कॉन्फिडेंट के साथ लगा सकते हो, जो कि एक अच्छा तरीका है किसी भी तरीके से मैथ को अच्छे तरीके से सीखने का। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन गिवन है 0 to 4 और 0 to x² इंटीग्रेशन करना है हमें e^y/x dy/dx। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहला हमें बात चेक करना क्या होता है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात हमको क्या ध्यान देनी होती है, पहली बात हमें ये ध्यान देनी होती है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना इंटीग्रेट करना पड़ेगा सॉरी। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो ये तो हमें इसको देख के 0 to 4 जो आपको लिमिट दे रखी है इससे आप तो आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना तो इसमें एक्स दिख रहा है ना वाई दिख रहा है, कोई टर्म नहीं दिख रहा है। बट दूसरे वाले में आके देखिए यहाँ पे 0 to x² आपको पता है जब ये एक्स के फॉर्म में गिवन होता है तो ये जो लिमिट होती है ये वाली लिमिट ये हम वाई की लिमिट मानते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। पहली बार डिसाइड कर लिया है ना, इसको लिखने का हो जाएगा सॉल्यूशन में आप देखोगे तो 0 to 4 एज इट इज लिखो और 0 to x² का मतलब ये हो गया ये लिमिट वाई है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये e^y/x को इंटीग्रेट करना है और आपको लास्ट में dx कर लेना, क्योंकि लास्ट में इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, और एक बात मैं बता दूं आपको, आप मैंने इंटीग्रेशन का जो टॉपिक पढ़ाते वक्त बताया था, अगर हमें इंटीग्रेशन e^x का करना होगा इंटीग्रेशन, तो आपको मालूम है इसका इंटीग्रेशन e^x ही में मिलेगा। ठीक है, अगर हमें e^ax का इंटीग्रेशन करना है, पावर के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो आप e^ax तो लिखोगे लेकिन डिनोमिनेटर में एक्स का जो मल्टीपल रहता है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स का मल्टीपल कंसीडर करोगे, या फिर ए के रिस्पेक्ट में करोगे तो ए का मल्टीपल कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है। तो आप यहाँ पे एक्स का मल्टीपल क्या है, ए है, तो यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, तो ये छोटी सी बेसिक बात है जो आपको पता होगी, हमें आई थिंक मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या देखा, 0 to 4 और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा e^y/x का, तो आप इंटीग्रेशन करोगे तो e^y/x ही लिखोगे। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स का देखो पहले हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वाई में, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब हमें वाई का मल्टीपल देखो क्या है, यहाँ पे वाई का मल्टीपल जो है देखो y/x लिखा होने का मतलब क्या हो गया, y/x होने का मतलब वाई का मल्टीपल क्या है, y(1/x), वाई का मल्टीपल तो देखिए यहाँ पे y/x, तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे 1/x, और ये इंटीग्रेशन हुआ और आपको लिमिट है 0 to x². इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को बारी बारी से रख के सॉल्व करेंगे कुछ, अभी इस पे भी कुछ नहीं करना है। e^y/x 1/x यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में लास्ट में करेंगे हम। अब क्या करेंगे, 0 to x² जो लिमिट थी, अगर हम देखो y के टर्म में हमने इंटीग्रेट किया तो y के जगह पे अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, e^x² / x, और आपको चाहो तो आप x यहाँ पे आप ले सकते हो, हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम इसको जब अपर लिमिट तो रख दिया, जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट जब रखा जाएगा तो ये कुछ ऐसा हमें इंटरफेस दिखेगा, e^0 / x,
एक्स को मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे टी एक्स कर दिया, ठीक। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 to 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर, देखो ऐसे ही एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर जीरो का मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, किसी भी नंबर पे मल्टीप्लाई कर लो, पावर 1 कर लो तो वो वैल्यू 1 होती है। इतनी चीज़ें कन्फर्म हो गई। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स कर लिया, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, माइनस 0 to 4 एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप आइलेट आपने पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल वाले इसको फर्स्ट में लेते हैं, अलजेब्रा वाले को पहले ले लेते हैं। इंटीग्रेशन करने का मतलब फर्स्ट इसको हम फर्स्ट पार्ट पकड़ेंगे और इसको सेकंड पार्ट पकड़ेंगे, ये बाई पार्ट मेथड से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 मिल जाएगा और ये 0 to 4 हो जाएगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करना है, इसको भी हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे आओगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का करोगे, ठीक है, ऐसे कुछ होगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे, डी एक्स लगा लो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमें एज इट इज मिल जाएगी ई टू पावर माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1, तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई टू द पावर एक्स ही मिलेगा। इसका अगेन इंटीग्रेशन जब करके लिखा जाएगा इसका, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, ये चीज़ मिल गई, और यहाँ पे क्या मिला है, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। हम इसको एक साथ ही लिख लेते हैं, 0 to 4 इसका हमने कर लिया, साथ में लिमिट्स रख लिया। अब इसी को सॉल्व करके वैल्यूज फाइनल करना है हमें, इसमें हम ई टू द पावर एक्स को चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, पहले इसको एज इट इज अगले पेज में लिख लेते हैं जिससे करना में आसान हो जाए। अगर ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 और 0 to 4, मतलब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप 0 और 4 अपर और लोअर लिमिट फाइनल रखोगे। अगर 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 4 3 माइनस सॉरी 4 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर ओवर 2, इतना अपर लिमिट रखने से मिला हमें, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 और 0 माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 2, ये चीज़ मिलेगी। अब इसको सॉल्व करके वैल्यूज आपको फाइनलाइज रख देना है। अब यहाँ से देखो 3 ई टू द पावर 4 हमें दिख रहा है, ठीक है, 4 4 16 और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो माइनस 8 यहाँ से हो गया, यहाँ में माइनस ये वैल्यू तो माइनस 1 मिलेगी अंदर, और ये वैल्यू 1, तो अंदर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे माइनस 1 मिल रहा है और यहाँ पे 0 मिल रहा है, ठीक। अब इसको जब थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 4 माइनस 8, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 करोगे 4 माइनस 8 प्लस 1 करोगे तो माइनस 7, तो ये का आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन तो ईजी था, केवल आपको इंटीग्रेशन करना था, बाकी आपको सिक्वेंस पर ध्यान देना था कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं और कैसे चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं। तो क्वेश्चन यही था, आसान सा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे ही आते हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के ही हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी।